चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने कौन सा करा था, वाई बाई एक्स वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही होमोजीनियस आपको शो करना है, बट मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। हम पे क्वेश्चन है एक्स वाई लॉग ऑफ वाई बाई एक्स, एक्स वाई लॉग ऑफ वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाई बाई एक्स, यहाँ पे डी वाई बराबर कितने के, जीरो के। होमोजेनियस से सॉल्व करना है, ठीक है ये। तो सबसे पहले हमारा काम तो वही है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो जैसे ये दे रखा है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे एक्स वाई लॉग ऑफ वाई बाई एक्स डी एक्स। मान लो यही वहाँ गया तो इस पर आ जाएगा माइनस, ये चीज़ वहाँ गई तो इस पर आ जाएगा माइनस, और ये यहीं रही तो ये तो ऐसे रहा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ वाई बाई एक्स, साथ में यहाँ क्या है डी वाई है, ये चीज़ है बच्चे हम पे। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स तो होगा क्या, ये तो यहीं रहा माइनस एक्स वाई लॉग ऑफ वाई बाई एक्स, और ये चीज़ अपॉन में चल गई कितनी है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ वाई बाई एक्स, ये आप पे। ठीक है, ऑब्वियसली होमोजीनस है ऑफ डिग्री वन, पुट करेंगे वाई को वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स को वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हम पुट करेंगे। अगर हम ऐसा पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स तो आपका बन जाएगा कितना, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स, ऐसी है वाई की जगह आया वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स आया, साथ में है लॉग वाई बाई एक्स बन गया वी, अपॉन में वाई स्क्वायर बना वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, साथ में लॉग है वाई बाई एक्स बन गया वी। आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, मतलब ऊपर तो ऐसे ही आएगा, साथ में अगर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया तो अंदर है माइनस ली वी लॉग वी, और अपॉन में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर आपने ले लिया अगर तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से आया वी स्क्वायर, यहाँ से आया माइनस लॉग वी, वी स्क्वायर माइनस लॉग वी यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे तो है एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी उधर जाएगा तो यह है माइनस वी लॉग वी अपॉन कितना है वी स्क्वायर माइनस लॉग वी है, वी उधर जाएगा तो माइनस को आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो माइनस वी लॉग वी माइनस वी, वी स्क्वायर के साथ बनेगा माइनस वी क्यूब माइनस वी माइनस प्लस लॉग वी, और अपॉन में कितना चल रहा है वी स्क्वायर माइनस लॉग वी चल रहा है। सर कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता, यही करना पड़ेगा, एलसीएम लेके देख लो यही आएगा, और कुछ हो नहीं सकता, चेक कर लेते हैं। हाँ यही है, ठीक है, हाँ वी क्यूब तो आ गई। अच्छा और कुछ गलती हुई? हाँ एक गलती है बस, क्या वी के साथ लॉग वी नहीं लगाया, तो लॉग वी इंटू वी करेंगे जैसे ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये गलती थी, बाकी सब ठीक था। कभी कभार दिखती नहीं है चीज़ें, क्या करें यार, है ना। तो आप पे आएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, और आगे आया माइनस वी क्यूब अपॉन कितना वी स्क्वायर माइनस लॉग वी। सर वी कॉमन ले लो, नीचे से वी नहीं ले सकते, लॉग के अंदर है वी, है ना, इसलिए नहीं ले सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ऐसा कि वी स्क्वायर माइनस लॉग वी ऊपर जाएगा, वी स्क्वायर माइनस लॉग वी ऊपर गया, वी क्यूब आया नीचे, माइनस अपनी जगह ही है, डी एक्स गया ऊपर, एक्स आया नीचे, दोनों साइड लगा देंगे इंटीग्रेशन, यही हमारा आंसर होगा। क्या कर सकते हैं सर यहाँ? देखो कर तो बहुत चीज़ें सकते हैं, अगर यहाँ पे हम अलग अलग कर दें तो लॉग वी बाई वी वी क्यूब में तो आईलेट लगाना पड़ेगा, आईलेट के बिना काम नहीं चलेगा। एक बार देखो इन्होंने कैसे करा है, आईलेट लगा के होगा, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, दिमाग ख़राब होगा, आईलेट लगा के ही करना पड़ेगा यार, क्या करें। ठीक है तो आईलेट लगा लेते हैं, वैसे लिमिट का तो कोई चक्कर है नहीं, तो आईलेट लगा के कर लेंगे। तो मिटाया और आईलेट की तरफ अग्रसर हुए प्रस्थान।
देखिए क्या है यहाँ पे, तो आप इसको अलग अलग करोगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई वी क्यूब, डीवी नहीं लगाया हमने, डीवी लगा देना बच्चे, यहाँ डीवी है तो वी स्क्वायर बाई वी क्यूब डीवी माइनस बाहर लॉग वी अपॉन में वी क्यूब आएगा ना, लॉग वी के साथ वी क्यूब आएगा, तो उसे ऐसा लिख लो वी की पावर माइनस थ्री ना, और यहाँ पे डी वी क्या करा सर, अलग अलग कर दिया, वी क्यूब को ऊपर ले जाके वी की पावर माइनस थ्री कर दिया, यहाँ तो कट जाएगा ना, और यहाँ पे है इंटीग्रेशन माइनस माइनस भी है, इंटीग्रेशन है डी एक्स बाई एक्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, लॉग पहला वी की पावर माइनस थ्री दूसरा, ठीक है, यहाँ पे बचा वी स्क्वायर से वी कैंसिल हुआ तो आप पे बचा डी वी बाई वी माइनस, यहाँ पे करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग वी एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वी की पावर माइनस थ्री डी वी का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी वी ऑफ वी की पावर, सॉरी वी नहीं, फर्स्ट का ने लॉग वी है उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सेकेंड का वही चलेगा इंटीग्रेशन बच्चे जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, और यहाँ चलेगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, ये चलेगा। अगर हम ये करना शुरू करें देखिए कुछ ऐसा होगा, डी वी बाई वी का तो लॉग वी हो गया माइनस, ऐसे ही है लॉग वी ऐसे ही है, यहाँ पे करेंगे वी की पावर माइनस थ्री का पावर बढ़ाओगे तो माइनस थ्री प्लस वन, और नीचे भी माइनस थ्री प्लस वन आएगा, वी की पावर माइनस टू आएगा नीचे से माइनस दो आएगा, अब होगा क्या, ये माइनस दो तो ये रहा माइनस दो ये रहा, ठीक है, और वी की पावर माइनस दो नीचे जाके वी स्क्वायर बन गया, क्लियर आया आपको समझ में मैंने क्या करा, माइनस वी की पावर माइनस दो बाई दो था ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू वी स्क्वायर, वही लिखा है मैंने माइनस वन बाई टू वी स्क्वायर, लॉग वी का हो जाएगा वन बाई वी, और इसका यही आएगा माइनस वन बाई टू वी स्क्वायर, तो प्लस हो गया टू वी स्क्वायर, आप ऐसे लिख लो यहाँ पे डी वी लिख लो, और डी एक्स बाई एक्स हो गया लॉग एक्स, ये अब हुआ क्या, हुआ ये कि अब जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो लॉग वी है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग वी अपॉन टू वी स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद ये देखिए अंदर से क्या है, हाफ बाहर आएगा, इंटीग्रेशन आप पे है वी क्यूब का, ऊपर जाके वी की पावर माइनस थ्री होगा, आपको इसका अभी पता चला कितना होता है, माइनस वन बाई टू वी स्क्वायर होता है, बोलो हाँ या ना, होता है ना वी की पावर माइनस थ्री का माइनस वन बाई टू वी स्क्वायर, वही लिखने वाले हैं, तो यहाँ माइनस हो गया और वन बाई टू वी स्क्वायर, पहले से यहाँ क्या था कुछ नहीं था, अब टू वी स्क्वायर आएगा तो फोर वी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि पहले से भी टू था, और बाहर क्या है लॉग एक्स है, और यहाँ लगा देना आप सी, ठीक है, वी की वैल्यू डालना तो लॉग वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग प्लस सॉरी प्लस लॉग वाई बाई एक्स टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स प्लस सी, सर एक्स स्क्वायर ऊपर चले गया, हाँ जी यहाँ पे ऊपर जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा, यही आपका आंसर है, मुझे तो ऐसे ठीक लग रहा है, आप भी ऐसे ही रहने देना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे है एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसका पी एस पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब सी की वैल्यू डाल के जब एक्स वन हो और वाई पाई बाई टू हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सबका एक जैसा आना चाहिए है ना, सी की वैल्यू मतलब सबकी एक ही आनी चाहिए, अब पहले तो इसे क्या करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो देखिए कैसे लाएंगे
एक्स डी वाई बाई डी एक्स साथ में कौन है, साइन है, साथ में कौन है, वाई बाई एक्स है, कितने के बराबर आया, एक्स उधर जाए वाई उधर जाएगा, ये वाई साइन वाई बाई एक्स, तो ये प्लस का हो जाएगा, इसे मैं पहले लिखना चाह रहा हूँ, और फिर एक्स उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। बोलो सही है गलत? ठीक है सर। उसके बाद बच्चे देखिए क्या होगा, आप अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मत डालो, वो पहले सॉल्व कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कितने के बराबर आएगा, ये वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स तो ऊपर ही है, एम आई राइट? यस। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स है साइन वाई बाई एक्स है, इसे नीचे ले आओ, तो एक्स है साइन वाई बाई एक्स आ गया नीचे। अब आप सेपरेट करो या क्या करो, ऐसे ही रहने दो, मुझे तो सही लग रहा है, ये होमोजीनस ही है। पुट करेंगे वाई की जगह वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे, एंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह आएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इधर है वाई, वाई बना वी एक्स, साइन वाई बाई एक्स बना वी माइनस एक्स, अपॉन एक्स ऐसी है साइन वाई बाई एक्स बना वी, वी को उतर ले जा लेंगे तो आप पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे हुआ वी एक्स साइन वी माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स साइन वी, और वी उधर जाके माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ से एक्स कॉमन लेके कट जाएगा, एक्स कॉमन लेके पहले ही काट सकते थे आप, कॉमन लेके काटना है ना, ऐसे नहीं काटना। और ये भी मत बोलना सर आपने ऐसा कैसे काट दिया, कॉमन लेके थी रे मेरी इंटेंशन, ठीक है, कॉमन लेके ही थी, नीचे वन है, पूरा आएगा साइन वी, इधर देखिए क्या है, वी साइन वी है बच्चे, जब यहाँ से एक्स कट गया तो यहाँ माइनस वन है, अब फिर ये माइनस वी के साथ साइन वी जाएगा तो ये माइनस वी साइन वी हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल, आपके बचा माइनस वन अपॉन साइन वी। एलसीएम करेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन वी गया डी वी के साथ, साइन वी आया डी वी के साथ, डी एक्स इधर एक्स नीचे, तो माइनस डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन वी का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन का होता है माइनस कॉस, ठीक है, तो माइनस कॉस वी ये होगा माइनस लॉग एक्स प्लस लगा देना लॉग सी, इसे फर्स्ट मानना, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पुट करेंगे एक्स और वाई की जगह डालना है ना, तो पहले इसको हम वाई बाई एक्स लिख लेते हैं, तो यह है माइनस कॉस वी की जगह वाई बाई एक्स बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी के, इसे मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सर लॉग एक्स प्लस लॉग सी लगा दें? नहीं अभी मत लगाओ, अभी सी की वैल्यू डालनी है बच्चे, है ना, एक्स की जगह वन और वाई की जगह पाई बाई टू डालेंगे। सर ये क्यों डाला पहले, ये तो डालना ही पड़ता है ना, ये अब डालेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, आप बनेगा माइनस कॉस वाई की जगह कितना पाई बाई टू, और अपॉन में कितना है एक्स की जगह कितना वन, है ना, एक्स की जगह वन और वहाँ पे माइनस लॉग एक्स की जगह वन और प्लस लॉग सी। ध्यान से देखिए कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो माइनस जीरो, लॉग वन भी जीरो होता है, प्लस लॉग सी, तो लॉग सी की वैल्यू आपकी कितनी आई, जीरो आई, छोड़ो ना तुम सी क्या आया, लॉग सी की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई, यहाँ पुट कर दो तो ये आया माइनस कॉस वाई बाई एक्स बराबर या प्लस लॉग एक्स, इधर आ गया बराबर कितने के, लॉग सी के, लॉग सी जीरो है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉग सी जीरो था ना, माइनस को इधर ले जा लेंगे हम माइनस लॉग एक्स को, तो प्लस लॉग एक्स बन जाएगा, क्लियर है इतना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मिटा देते हैं थोड़ा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, कब, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का,
थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो वैन एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन। एक्स वाई की वैल्यू वन वन डाल देंगे, सी की वैल्यू आएगी और पुट कर देंगे। पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स अलग अलग करना पड़ेंगे, तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई को यहीं रहने दिया, इसको उधर ले गए तो माइनस ऑफ थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। अब अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई यहाँ, डी एक्स नीचे आया, ये ऊपर है, माइनस ऑफ थ्री एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और ये चीज़ नीचे कर चले गई जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऑब्वियसली इट इज़ होमोजीनस, दो डिग्री दो डिग्री दो डिग्री दो डिग्री, होमोजीनस ऑफ डिग्री वन है तो पुट करेंगे, ये नहीं है बच्चे, गलत बात, पुट वाई की जगह वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हमें पुट करना है बच्चे, ठीक है। ये पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे है माइनस थ्री एक्स वाई की जगह वी एक्स, वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐसी एक्स ऐसी वाई की जगह वी एक्स। अब आप देखें एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, कॉमन लेके काटना, सर अब जल्दबाजी कर रहे हैं इसलिए कॉमन लेके काटना आप लोग, तो ये हो गया माइनस थ्री वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी, ये आएगा आपके, है ना, माइनस थ्री वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी आएगा। वी को उधर भेजेंगे तो एक्स से डी वाई डी वी बाई डी एक्स इधर है, ये हो गया माइनस थ्री वी, यहाँ पे है माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे है वन प्लस वी, और वी उधर जाके माइनस हो गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो वन प्लस वी ही है, वन प्लस वी है, यहाँ से आया माइनस थ्री वी माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी इंटू वन माइनस वी हो जाएगा, माइनस वी इंटू वी माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कट तो रहा नहीं है ना यहाँ से, देखिए जरा कट रहा है कुछ, मुझे तो लग नहीं रहा है कुछ कटेगा, माइनस वी माइनस वी स्क्वायर कुछ नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर कितने के, बराबर देखिए माइनस थ्री वी माइनस वी हो जाएगा माइनस फोर वी, माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन में आ गया वन प्लस वी, ठीक है याद। ओके अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस वी आपको ऊपर गया बच्चे, इनसे आप क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस का दो कॉमन ले सकते हो, माइनस का दो कॉमन लेंगे तो माइनस का दो कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा टू वी, माइनस का दो कॉमन लेंगे तो यहाँ से वी स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। और साथ में ये ऊपर ये नीचे, साथ में डी वी है और इधर है डी एक्स और इधर है एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस वन बाई टू यहाँ से हटा के, माइनस वन बाई टू यहाँ से हटा के यहाँ भेज दो, यहाँ पे माइनस टू लग जाएगा, है ना, और कुछ तो नहीं हो सकता, ऐसा रखोगे तो सोफिस्टिकेटेड है। अब लीनियर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे है, आपको भी पता है लीनियर अपन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, वही करने जा रहे हैं ताकि फिर हमें वैल्यू डालने का मौका मिल जाए सी की। सी की वैल्यू क्या सर चेंज हो जाएगी, अगर मैं टेन इनवर्स सी ले लूँ या लॉग सी ले लूँ या सी ले लूँ, कुछ चेंज नहीं होगी, एक जैसी रहती है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहले आप कर लो, वन प्लस वी अपॉन कितना है वी स्क्वायर प्लस टू वी है, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है तो ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला वी स्क्वायर प्लस टू वी, और प्लस में लगा देंगे बी, ठीक है, ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। अच्छा नीचे वाली चीज़ चाहिए भी नहीं होती, ऊपर वाले को ही करना होता है, तो वन प्लस वी को हम कर रहे हैं वन प्लस वी, ए ऐसी है वी स्क्वायर को हो गया टू वी, टू वी को हो गया टू और प्लस में आ गया बी, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म देखें यहाँ पे वन है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है टू ए प्लस बी, वी का कोफिशियंट देखें यहाँ पे वन है और यहाँ पे वी का कोफिशियंट कितना है, वी का कोफिशियंट यहाँ टू ए है, ए की वैल्यू हाफ आ गई तो वन इज इक्वल टू टू इंटू ए की वैल्यू हाफ प्लस बी, इससे ये कैंसिल होगा वन माइनस वन जीरो, तो बी की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा थोड़ना है कि वन प्लस वी हो जाएगा, ए कितना है हाफ और वी स्क्वायर प्लस टू वी का हमने डिफ्रेंशिएशन करा, हाँ तो हम पे कितना आ गया था टू वी प्लस टू आ गया था, मतलब हमें तो इससे मतलब है ना इस वाली से, तो ए हो जाएगा हाफ टू वी प्लस टू, बी हो जाएगा जीरो, देखो वही आएगा सर। ये तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड कर सकते थे, ऐसा भी नहीं है बच्चों, ऐसे इतने बढ़िया कहाँ हो आप लोग, है ना, ना हमें इतने बढ़िया, हम भी नहीं कर सकते, तो वन प्लस वी होगा हाफ, हाँ पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, टू वी प्लस टू वो जीरो को गोली मारो
नीचे कितना है बच्चे, 2v + v² है, और यहाँ पे कितना है dv है, और यहाँ पे क्या है -2 ∫dx/x है। ठीक है, हाफ को बाहर निकालना, 2v + v² को अगर हम वो करें फंक्शन लें तो इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाली चीज़ आई है। देखो आप, v² का 2v, 2v का 2 आएगा, तो इसका सीधा आंसर आएगा हाफ लॉग फंक्शन, ये इसका आंसर होगा। वही हम करने जा रहे हैं, तो आंसर आएगा हाफ लॉग फंक्शन। फंक्शन कितना है, अंदर वाला है v² + 2v, यहाँ पे है -2, ये हो गया लॉग एक्स, दोनों लॉग के हैं तो लॉग सी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसे ले लिया। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो देखिए क्या हुआ, हम जब आगे बढ़े तो वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो हाफ लॉग v² हो जाएगा y² / x² और 2v हो जाएगा y/x, यहाँ पे आएगा -2 log x + log c, इसको हम सच मान लेते हैं, और यहीं पे हम वैल्यू डालते हैं, तो हाफ लॉग, उन्होंने बोला क्या वैल्यू डालो, y और x की जगह 1, तो 1² / 1² 1 ही आएगा, और 2 × 1 2 ही होगा, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, -2 log 1 + log c। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, लॉग 1 तो 0 हो गया, ठीक है, लॉग सी की हमें वैल्यू निकालनी है, लॉग सी के साथ का जो लॉग 1 है वो तो 0 हो गया, तो यहाँ सिर्फ लॉग सी बचा जो मैंने लिख दिया है, और हाफ लॉग 3 के बराबर होगा वो, हाफ लॉग 3, बस यहाँ डाल देना, आपका आंसर आ गया। कहाँ पे डालना था आपको, ये थी ना आपकी इक्वेशन, यहीं पे डाल दो, तो लॉग सी की वैल्यू कितनी है, हाफ लॉग 3। वो आप कुछ भी करिए, 2 को ऊपर ले जा लीजिए, हाफ को ऊपर ले जा लीजिए, बट बेसिक आंसर तो यही है। ठीक है, इसे आंसर पे हम यहाँ छोड़ते हैं, इसे क्लियर, गुड, इसे आंसर पे हम यहाँ इसे छोड़ रहे हैं।